त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 को लेकर नामांकन प्रक्रिया 30 मई से शुरू हुई है जो 6 जून तक चलेगी। मंजीत कौर बलविंदर कौर द्वारा आज वार्ड क्रमांक 11 के पंच पद हेतु नामांकन किया गया। आज ग्राम डेहरिया के सरपंच पद से सुभद्रा राजू द्वारा नामांकन जमा किया गया। राजू का कहना है कि युवा वर्ग को सरपंच बनने का मौका मिलना चाहिए जिसमें वो ग्राम का विकास अच्छे तरीके से काम करा पाएंगे और उन्होंने ग्राम के अच्छे विकास के लिए सरपंच पद का नामांकन फार्म आज छिन्या पंचायत में जमा किया है। चुनाव अधिकारी जानकारी के अनुसार आज 10 पंचों का और एक सरपंच का फार्म अभी तक जमा हुआ है। जिरनिया सुखदीप सिंह भट्टे की रिपोर्ट। एक प्रक्रिया चल रही है इसके बारे में बड़ी जानकारी। नामांकन नाम निर्देशन का जो पत्रक है भरना है सरपंच और आपके पंच के जो कि 30/5 से 6 तक चलेगा और उसमें आज 2 दिन 3 दिन में जो आए हैं अपने पास आवेदन पंच के आ गए हैं 10 और सरपंच के आए हैं 1 और प्रक्रिया बढ़िया चल रही है और बढ़िया से काम कर रहे सारे बंदे। मैं दिलीप सिंह डोडवे AR O धनिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस पद के लिए फॉर्म डाला? मैंने ग्राम डेहरिया से सरपंच पद के लिए फॉर्म डाला है पर अभी क्या है भ्रष्टाचारी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो मैं नया युवा के नाते अभी ग्राम डेहरिया से सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ और गांव का विकास करूँगा और आगे भी लड़ते रहूँगा। क्या नाम है? राजू डुडवे और फादर का नाम हरसिंह। कैसे करेंगे? आपके सामने किसने और नामांकन भरा? मेरे सामने अभी नामांकन तो फिलहाल डेहरिया से किया है पर हो सकते 4 या 5 फार्म आ जाएंगे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। हम युवा हैं, युवा की कम्युनिटी बनी हुई है हमारी और जीत जाएंगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।